नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूव फैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक्शन मूवी धूम 3 के मेकिंग सीन एंड वीएफएक्स के बारे में, यानी कि हमें धूम 3 में जो एक्शन दिखाए गए थे उन्हें कैसे फिल्माया गया था। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑटो रिक्शा के एक्शन सीन की। इस सीन में ऑटो रिक्शा को एक रियल घर की छत पर चलाया गया था बट रस्सियों की मदद से, और साथ ही ऑटो के पीछे एंड आगे की तरफ ग्रीन स्क्रीन पर्दे लगाए गए थे जिन्हें बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हटाकर वीएफएक्स की हेल्प से यहां पर कई घर ऐड कर दिए गए। यहां पर एक पूरी कॉलोनी क्रिएट कर दी गई थी। हमें इस मूवी में ऑटो का एक और एक्शन सीन देखने को मिलता है जहां पर ऑटो उदय चोपड़ा के ऊपर से निकलता है। इस सीन का मेकिंग सीन को आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ऑटो को वायरिंग बेल्ट से बांध रखा है और बाद में इन वायरिंग बेल्ट को भी वीएफएक्स की मदद से हटा दिया गया। आफ्टर दैट रिजल्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार आया। आप लोगों ने धूम 3 मूवी के अंदर आमिर खान सर का डबल रोल तो देखा होगा। आपके माइंड में इस सीन को देखने के बाद यह क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि आखिरकार आमिर खान सर के इस डबल रोल को कैसे शूट किया गया होगा। मैं आपको बता दूं कि इस सीन को शूट करने के लिए 7 कैमरे एक साथ यूज किए गए थे। सभी कैमरे आमिर सर के हर एक्शन मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। आमिर सर के इस डबल रोल में वीएफएक्स आर्टिस्ट का काफ़ी हार्ड वर्क है। उस हार्ड वर्क को आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसे वीएफएक्स का इस्तेमाल करके कितना परफेक्टली इन सीन को शूट किया गया था। दोस्तों, ये डबल रोल मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। आपको कैसा लगा था मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपको मूवी बियॉन्ड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अगेन सी यू।